दो मित्र थे, एक मित्र गलत मार्ग में चला गया, एक अच्छे मार्ग में, रोज गंगा नहाना, नाम जप करना, ऐसा। जब दोनों मित्रों का मिलान हुआ, वो वैश्यागमन करना, शराब पीना, ऐसा, तो वो बूट पहने अच्छे से और वो नंगे पैर गंगा स्नान कर, तो जो गंगा स्नान करता था उसके इतना बड़ा खजूर का कांटा लगा, खजूर समझते ना, बड़ा कांटा होता है, पार कर गया। वो बैठ गया राम 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 ऐसे कह के। वो जब निकला तो कहा, देखा, कहते थे ये सब नाटक है, क्या मिला तुझे? और देख, मैं बहुत मौज मस्ती से चल रहा हूं। और आगे चला तो एक धूल में, ऐसे ऊंची धूल थी, ऐसे लात लगा, उसमें देखा हीरा। लौट के आया, देख बोल, तेरे कांटा लगा, मुझे थैली मिली हीरे की। उसको लगा यार वास्तविक ये सब नाटक है, क्योंकि मैंने देखा है वैश्यागमन करता है, शराब पीता, इसको थैली मिली हीरे की, और भजन करता हूं, राम राम बोलता हूं, गंगा नहाता हूं, खजूर का कांटा लगा। तो जब किसी भक्त को संशय होता है तो भगवान किसी न किसी रूप में आके संशय निवारण करते हैं। एक वृद्ध के रूप में भगवान आया, बोले अरे बेटा कांटा लग गया क्या? भगवान की बड़ी कृपा आपके ऊपर है। बोले आप कैसे कह सकते हैं भगवान की कृपा, ये कृपा है, कृपा तो उसके ऊपर है, देखो ना वो हमारा मित्र जो गया, तो उनका बेटा तुम्हें दोनों की बात याद नहीं, तुम्हें पता नहीं, इसने पूर्व जन्म में सुकृत किए हैं और पाप कर रहा है, ये आजीवन चक्रवर्ती सम्राट के पद का भोग करता, न बैठता तो भी वैभव होता, इसके पाप